तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। समर स्लैम कल सुबह चालू हो जाएगा, आप सबको पता है सुबह 5:30 4:30 जो भी टाइम होती है पेपर व्यू की, उस टाइम पे समर स्लैम कल चालू हो जाने वाला है। लेकिन उससे पहले समर स्लैम के स्टेज को लेकर अपडेट है, क्योंकि स्टेज लीक आ चुकी है निकल के सामने फोर्ड फील्ड से, तो स्टेडियम से तो स्टेज लीक काफ़ी ईजिली आ चुकी है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये साइड कैमरा से लिया गया, साइड टैग है, साइड शॉट है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे स्टेज के नाम पे कुछ नहीं है, WWE हमेशा की तरह बाकी यूजुअल अभी जो रिसेंट की इवेंट्स करा दी उसी की तरह स्टेज है। स्टेज भी नहीं कह सकते यार इसको, एक सिर्फ टेंट सा बना दिया LED वगैरह का, एंड बस एक एंट्रेंस है चमकती हुई बैरिकेड से LED लाइट्स के साथ, एंड उसके बाद सामने रिंग देखने को मिल जाएगा। बैरिकेड थोड़ा सा कर्व है, बाकी एज यूजुअल ऊपर वो बड़ा सा ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो यही है स्टेज समर स्लैम का, कुछ नहीं है वैसे तो, बट अभी है भाई अपडेट तो क्या कर सकते हैं, रहा नहीं जाता बताने से। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है सेथ रॉलिंस वर्सेस डैमियन प्रिस्ट वर्सेस फिन बैलर। ये वाला मैच हो सकता है पेबैक के अंदर। अभी अपडेट निकल के सामने आई है जरा न्यूज़ की तरफ से कि WWE डिस्कस कर रही है, प्लान कर रही है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच बिटवीन डैमियन प्रिस्ट, सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर। अब इसके बारे में देखो क्या है करेंटली, कि अगर सेथ रॉलिंस रिटेन कर लेते हैं टाइटल समर स्लैम में तो भी ये मैच हो सकता है, अगर रॉलिंस नहीं रिटेन करते हैं फिन बैलर जीतते हैं तो भी हो सकता है, डायमंड प्रिस्ट कैश इन कर रहे हैं कल तो भी ये हो सकता है। मतलब हर केस में ये मैच पेबैक के अंदर पॉसिबल है कम्प्लीटली। अच्छा एक चीज़ तो यहाँ से ये भी कंफर्म हो गई कि अगर डायमंड प्रिस्ट कैश इन नहीं भी करते हैं समर स्लैम के अंदर तो भी जो है फिन बैलर के साथ उनकी जो भिड़ंत है वो समर स्लैम के बाद चालू हो ही जाएगी, क्योंकि अगर पेबैक के अंदर ये मैच होना है तो उसके लिए थोड़ा तो बिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मोस्ट लाइकली यही है कि समर स्लैम के अंदर या तो डायमंड प्रिस्ट कैश इन करें मनी इन द बैंक को, एंड उसके बाद जाके इनकी फ्यूड बिल्डअप हो एक ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए। हो सकता है कैश इन अनसक्सेसफुल हो जाए या फिर कुछ भी एज सच WWE जिससे जो है मैच को बुक कर पाए, बट हाँ ये हो सकता है, ऐसा कुछ कहना है जरा न्यूज़ का। तो आप लोग क्या चाहते हो कि मनी इन द बैंक कैश इन हो या फिर नहीं, कमेंट करके बताना, एंड साथ में ये भी बताना कि पेबैक के अंदर क्या ये ट्रिपल थ्रेट मैच का आइडिया परफेक्ट होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है जे उसो को लेके। तो जे उसो बनेंगे कल आपके नए ट्राइबल चीफ, ये बात उन्होंने खुद कही है, कसम खाई है। तो स्मैकडाउन के बाद इंटरव्यू दिया उन्होंने, मतलब वही जो बैक स्टेज वाला होता है वहाँ पे वो कसम खाते हैं, मतलब उन्होंने वो ली है कि वो रोमन रेंस को हरा के बनेंगे नए ट्राइबल चीफ। अभी हम देख रहे हैं कि भाई वो स्पीयर वगैरह सब लगा रहे हैं, तो रोमन रेंस के एट्रीब्यूट्स पूरे उनके पास हैं, एंड अभी जंग हो चुकी है यहाँ पे कि ट्राइबल चीफ कौन है। ट्राइबल कॉम्बैट मैच है वैसे भी, सो यहाँ पे मैच के अंदर सब कुछ लीगल है, चाहे आप टेबल यूज़ कर लो, चेयर यूज़ कर लो, लैडर यूज़ कर लो, एनीथिंग गोज वाली स्टिपुलेशन है बेसिकली। नाम दिया गया ट्राइबल कॉम्बैट, तो कहना है जे उसो का कि कल वो रोमन को या तो सबमिट कराएंगे, पिन करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन कल वो जीतेंगे, टाइटल अपने हाथों लेंगे, ट्राइबल कॉम्बैट मैच को जीत के बनेंगे अनोवा फैमिली के, ब्लड लाइन फैमिली के नए ट्राइबल चीफ। अब क्या आप लोग जे उसो को एज न्यू ट्राइबल चीफ देखते हो? देखो वो जीतने तो नहीं वाले वैसे, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी क्या एज ट्राइबल चीफ उनके ऊपर एक गेमिक सेट करेगा, कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, रैंडी ऑर्टन को लेकर गुड न्यूज़ है, एंड ये सही में बड़ी न्यूज़ है गाइस। रैंडी ऑर्टन जो है डेट्रॉइट के अंदर है, यानी कि जहाँ से समर स्लैम हो रहा है फोर्ड फील्ड से, वहीं पर रैंडी ऑर्टन। PW साइडर की तरफ से रिपोर्ट निकल के ये सामने आई थी कि जो ये अपने बॉबी रूड हैं वो भी वहाँ पे, बट बॉबी रूड प्रोड्यूसर के रोल के लिए वो प्रोड्यूस करेंगे किसी तो किसी मैच को। रैंडी ऑर्टन का रोल क्लियर नहीं है, क्या वो इन रिंग रिटर्न करेंगे बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्या वो कहीं पे इन्वॉल्व होंगे ऑन TV वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ वो वहाँ पे प्रेजेंट है। और ये काफ़ी टाइम बात हो रहा है कि रैंडी ऑर्टन किसी WWE शो में ऐसे बैक स्टेज प्रेजेंट होने वाले हैं, क्योंकि वो भी फिलहाल रिहैब में थे, रिकवर वगैरह कर रहे थे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद रैंडी ऑर्टन यहाँ पे बैक स्टेज हैं डेट्रॉइट में, यानी कि समर स्लैम के लिए ही ऑब्वियसली यार काफी ऑब्वियस है। तो देखना होगा कल रैंडी ऑर्टन आते हैं अपनी, क्योंकि कल काफी कुछ हो सकता है, अंडरटेकर को भी लेकर हमने सुना कि वो हैं, या फिर ऐसा वैसा अंडरटेकर भी होंगे, साथ में बिगी ब्रे वाइट, कई सारे नेम्स हैं जो कि कल अपना रिटर्न कर सकते हैं। तो कल जो दिन होने वाला है काफी बड़ा है, तो मिस बिल्कुल मत करना। आखिरी अपडेट तो नहीं है वैसे, मेरी प्रेडिक्शन है, समर स्लैम की प्रेडिक्शन मैंने करी नहीं है तो यहां पर कर लेते हैं। बेटिंग ऑड्स ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है किसी वीडियो में, आप देख सकते हो अभी से 2 दिन पहले की वीडियो होगी। समर स्लैम की प्रेडिक्शन कर लेते हैं, प्रेडिक्शन कौन जीत रहा है कौन नहीं। तो टोटल WWE ने 8 मैचेस अनाउंस किए, बैटल रॉयल का नहीं पता भाई कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो उनका मैं ज्यादा वो भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ LA Knight फिर भी मान के चलो कि जीत रहे हैं, ठीक है। रोमन रेंस वर्सेस जे उसो का मैच है ट्राइबल कॉम्बैट, यहाँ पे रोमन टाइटल रिटेन करेंगे। देन है सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे भी टाइटल रिटेन होगी, लेकिन यहाँ पे मैसिव इन्वॉल्वमेंट होगी डायमंड प्रिस्ट की मनी इन द बैंक के साथ में। देन उसके बाद वही अपना मैच आ जाएगा आस्का वर्सेस शार्लेट वर्सेस बियांका बेलेयर, वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच है ट्रिपल थ्रेट, एंड यहाँ पे मुझे लगता है
टाइटल चेंज हो सकता है मे बी शार्लेट, बिकॉज मैं पिक करूंगा उन्हीं को, मैं नहीं चाहता कि बियांका के पास चैंपशिप जाए। देन होने वाला है एमएमए रूल्स मैच रॉन्डा राउजी वर्सेस सेना बेज़लर, एंड मुझे बिलीव है कि इस मैच के अंदर सेना बेज़लर को विक्ट्री मिलेगी। देन है लोगन पॉल वर्सेज रिको से, यहाँ पे लोगन पॉल बैटिंग ऑर्ड्स में ही फेवरेट था, एंड मैं भी इनको ही फेवर करूंगा, मेरे हिसाब से यही जीत रहे हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपशिप का मैच है गंथर वर्सेज ड्रू मैकइंटायर, एंड यहाँ पे टाइटल किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगी, एंड यहाँ पे गंथर ही रिटेन करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेसनर वर्सेज कोडी रोड्स, एंड यहाँ पे कोडी रोड्स ही जीतेंगे क्योंकि तीसरा मैच एंड फ्यूड एंड करनी है तो बेबी फेस ही जीतेगा, तो कोडी रोड्स को विक्ट्री मिलेगी यहाँ पे। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही अपडेट्स है, आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। कल मिलेंगे सीधा समर स्लैम के बाद, एंड कल शायद ज्यादा वीडियोज आ सकती है क्योंकि बड़ा इवेंट है, बड़ी चीजें हो सकती है तो बड़ी वीडियोज भी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे, सबके लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।